हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लेंस एकेडमी। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे कुछ ओपिनियन लेना चाहूंगा और अपना भी कुछ ओपिनियन है उसको भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि परसों ही मैंने ग्लेंस एकेडमी टीम के द्वारा जो नया इनिशिएटिव चलाया जा रहा है आप सभी के लिए, जो कि मेंस ओरिएंटेड रहेगा, जिसमें आपका यूपीएससी मेंस होगा, यूपीपीसीएस मेंस होगा और आरओआरओ मेंस होगा, इन तीनों पे ही हम लोगों ने एक हैंड रिटन नोट्स जो है कि शुरू किए हैं और जिसकी डिटेल्स मैंने परसों एक वीडियो में दी थी। आज उसी वीडियो से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आप लोगों के बहुत सारे अलग अलग कमेंट्स आए वीडियोज में, व्हाट्सअप पर, ग्लेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर भी, कि उसमें जो दो तीन क्वेरीज निकल कर आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरीज तो एक ये आ रही है कि किस सब्जेक्ट को सर सबसे पहले शुरू किया जाएगा, और दूसरी जो क्वेरीज निकल कर आ रही है कि सर ये किस बुक से तैयार किया गया है, और तीसरी एक इंपॉर्टेंट क्वेरीज आ रही है कि ये किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो आज हम इसी पे छोटी सी एक चर्चा करेंगे और आपके भी मैं ओपिनियन सजेशन जानना चाहूंगा, और आप लोग अपने ओपिनियन या सजेशन को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको कंप्लीटली आरओआरओ यूपीपीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस की भी तैयारी आपको यहां पर कराई जाती है। और यूपीएससी के लिए मैं विजन 365 की क्लासेस ले रहा हूं, साथ में कुछ ही समय बाद मैं विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है यूपीएससी के लिए स्पेशली वो भी शुरू करूंगा, और साथ में आपकी जो मंथली मैगजीन है वो भी चलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं, अपने एक छोटे से मुद्दे पर बात करेंगे। तो पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर आपने जो ये मेंस के हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं काफी इंप्रेसिव हैं और काफी अच्छे तरीके से तैयार किए गए हैं, इसमें कौन सी बुक का प्रयोग किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि मेंस के नोट्स कभी भी किसी सिंगल बुक से नहीं तैयार हो सकते। अगर सिंगल बुक से तैयार होते तो नो डाउट आप लोग पढ़ के उसे जो है कि काफी अच्छे से तैयार कर लेते और अपने भी नोट्स बना लेते। लेकिन जो हम लोगों ने नोट्स बनाए हैं इसमें दिल्ली के कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों के भी नोट्स इंक्लूड हैं, साथ में अगर आप देखोगे तो मेरे पर्सनली भी जो मेंस के नोट्स हैं वो भी हैं और कुछ टॉपर्स के भी नोट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि किसी एक बुक से तैयार किए गए। जैसे अगर मैं कहूं कि हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो, या पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, या ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन है, या फिर एनवायरमेंट के लिए, तो कोई एक प्रॉपर बुक नहीं है। इसमें कई सारे सोर्सेस को इंक्लूड करके पूरी कनेक्टिविटी के साथ इसे तैयार किया गया है। तो इस चीज को बिल्कुल डाउट में मत रखिए किसी एक बुक को। जैसे हम लोगों ने घटनाचक पूर्वालोकन को 2023 के हैंड रिटन नोट्स तैयार किए थे, जो स्पेशली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आरओ एग्जाम्स के लिए भी और पीसीएस एग्जाम्स के लिए भी, जिसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने दे रखी है चैनल पे, चाहे तो इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगा, आप देख सकते हो उसको भी। तो पहली चीज तो ये क्लियर। दूसरी जो चीज आप पूछ रहे हो कि सर कौन से सब्जेक्ट को जो है कि हम शुरू करेंगे, तो देखो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू कर दीजिए, कुछ बच्चों ने कहा कि सर इकोनॉमिक्स से शुरू करिए क्योंकि इकोनॉमिक्स आपके प्लेटफॉर्म पे कोई भी क्लासेस नहीं है, ना तो घटना चक्र की है ना इसकी है। कुछ बच्चों ने कहा कि सर ज्योग्राफी से शुरू कर लीजिए, या कुछ ने यह भी कहा कि सर पॉलिटी से शुरू करिए। तो कई अलग अलग ओपिनियंस आए, कई अलग अलग जो है कि मैसेजेस आए, लेकिन मैं आज इस वीडियो को देखने के बाद आपसे पूछना चाहूंगा, और आपकी अपनी जो राय होगी वो भी आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में भी, क्योंकि मैं हर एक सजेशन को प्रॉपर जो एक रिप्लाई करता हूं, आप देख सकते हो मेरे वीडियोस के नीचे जितने भी कमेंट हैं सभी को मैंने रिप्लाई भी किया है, और आपके सजेशन को मैं वैल्यू देकर उसमें कुछ मॉडिफाई भी करता हूं और उस सजेशन को मैं फॉलो भी करता हूं। तो अब जैसे यहां पर बात आ रही है कि सर कौन से नोट्स को तैयार किया जाए सबसे पहले क्लासेस के रूप में, तो पहली उपयोगिता मैं बताऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी की। ठीक है, अब यहां पर आप कहोगे सर नहीं हिस्ट्री करनी चाहिए या जो भी, हालांकि इसकी क्लासेस मैं मंडे से शुरू करने वाला हूं और जो कि यूट्यूब पर पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, लेकिन अगर इसकी आप पीडीएफ को परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर साइड में दिखा रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, उस पर मैसेज करके पूरी इसकी पेमेंट प्रोसेस को जान सकते हो और वहां से इसको परचेस भी कर सकते हो। अब बात करेंगे कि ज्योग्राफी ही क्यों, ठीक है, पॉलिटी क्यों नहीं, हिस्ट्री क्यों नहीं। देखिए मेरे हिसाब से, या जो भी आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ज्योग्राफी को अच्छे से स्टडी की होगी, तो ज्योग्राफी केवल लोकेशन या फैक्ट की बात नहीं होती, ज्योग्राफी आपके फील करने की चीज होती है। भूगोल क्या होता है? भूगोल का मतलब होता है जो चीज आप देख रहे हो एनवायरमेंट में, जो चीज आप महसूस कर रहे हो वही तो भूगोल है। इस समय मार्च का महीना चल रहा है जो हल्की गर्मी और हल्के ठंडे मौसम के समय चल रहे हैं, दोपहर 2 बजे 3 बजे जो है कि बहुत सुस्ती आती है बॉडी में, आलस आता है, नींद आती है, तो इसके पीछे कौन से ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर हैं जो हमारे इस बॉडी पे महसूस करा रहे हैं कि हमारी लेजीनेस बढ़ रही है, पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, हल्की सुबह मॉर्निंग में ठंडी लग रही है, कंबल अभी भी ओढ़ रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि आप जो चीज रियलिटी में फील करते हो या महसूस करते हो ज्योग्राफी उसे कहते हैं, और एक बार अगर आप ज्योग्राफी को समझ लेते हो तो मेरे हिसाब से आपके मैक्सिमम जो सब्जेक्ट है वो इससे इंटरलिंक होते हैं, और साथ में आप इस सब्जेक्ट को फिर रटोगे नहीं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स की समझ विकसित कर पाओगे।
मैं अगर बात करूं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, जैसे मैं लेक्चर शुरू करूंगा, तो मेरा ये अपना ओपिनियन, आप लोग भी देखते हैं जिसपे सबसे अधिक रिक्वायरमेंट आएगी कि नहीं सर इस सब्जेक्ट को सबसे अधिक डिमांड की जा रही है चलाने के लिए, तो उसे चला देंगे, ठीक है, ज्योग्राफी को होल्ड कर देंगे। लेकिन मैं अपना जेन्युइन रीजन बता रहा हूँ कि क्यों ज्योग्राफी में चाहता हूँ कि आप लोगों की शुरू की जाए। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, बिगिनर स्टूडेंट है, 2025 आपका टारगेट है यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का, आरओ का, या 2024 भी टारगेट है अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी का मतलब जिस भूमि पर आप रहते हैं उस भूमि की सराउंडिंग लोकेशन क्या है। दूसरी चीज, जिस भूमि पर आप खाते हैं पीते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ऐतिहासिक घटना की बात करते हैं, राजनीतिक घटनाक्रमों की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, वो किसी न किसी एक पृथ्वी पर रहने पर ही तो होती है। तो पहले हमें पृथ्वी की लोकेशन पता होनी चाहिए, पृथ्वी के बारे में पता होनी चाहिए, पृथ्वी को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं, चाहे वो तापमान हो, वर्षा हो, आर्द्रता हो, महासागर हो, जलवायु हो, क्लाइमेटोलॉजी हो, जो भी चीजें हैं उसकी एक बेसिक समझ होनी चाहिए। इसके बाद जब आप इकोनॉमिक्स मान लो पढ़ रहे होगे, तो इकोनॉमिक्स में आप ट्रेड पढ़ोगे या एग्रीकल्चर पढ़ोगे कि किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में क्यों खेती कम होती है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में वर्षा क्यों कम होती है, जिसकी वजह से उत्पादन कम हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है, इसको भी आप ज्योग्राफी से ही कोरिलेट कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको ज्योग्राफिक समझ होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें, ऐतिहासिक घटनाक्रमों की बात करें, तो क्यों पानीपत का युद्ध 3 बार लड़ा गया पानीपत के क्षेत्र में, क्यों हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, इसके पीछे राजाओं की महत्वाकांक्षा थी वो अलग बात है, लेकिन मैं ये पूछता हूं कि क्यों पानीपत एक ऐसी फेमस जगह हो गई हरियाणा की जहां पे 3-3 बार युद्ध लड़े जा रहे हैं। क्या वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन आपके जो युद्ध लड़ने वाले जो राजा थे या जो सैनिक थे उनके लिए क्या वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत फेवरेबल कंडीशन थी कि आप वहां पे युद्ध लड़ रहे थे, या फिर अंग्रेजों ने क्यों बंगाल कलकत्ता पे सबसे अधिक अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश की कि वहां पे अगर हमारा वर्चस्व हो जाएगा तो हम पूरे भारत को अपने कंट्रोल में कर सकेंगे, क्योंकि वहां पे बंदरगाह भी मिल रहा था, वहां पे नदियां भी मिल रही थी, वहां पे जूट का उत्पादन भी था, वहां पे चावल की खेती भी हो रही थी, वहां पे जो है कि नौसेना पोत भी थे, बहुत सारी चीजें ये फैक्टर करती है ज्योग्राफी से। और इसी वजह से मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी सबसे पहले मैं शुरू करूं, जिसमें आप लोगों को एक बेसिक समझ विकसित हो पाएगी। अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल और अच्छी समझ विकसित होगी। जिस धरती के खनिज की हम बात करते हैं कि कोयला कहाँ से होता है, गोंडवाना लैंड में क्या होता है, या किसी भी इंडस्ट्री के लिए जो एल्युमिनियम इंडस्ट्री है, लोहा इंडस्ट्री है, स्वर्ण इंडस्ट्री है, उसके लिए जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो किस किस कारण से कौन से युग में, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, सेनोजोइक, इन सभी युग में कहाँ कहाँ विकसित हुए, क्या उनके पीछे लॉजिक था, ये सभी चीजें आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास से सीख पाओगे। तब जाके आप हिस्ट्री को, सोसाइटी को, अगर मैं कहूं कि जनजातीय क्षेत्रों में क्यों अंडमान निकोबार में लोग काले पाए जाते हैं, दूसरी चीज मैं कहूं कि उनका जीवन शैली, खाद्यान्न जो आखेटक के रूप में शिकार करने की भूमि या शिकार करने की जीवन शैली, इन सभी चीजों को आप सामाजिक स्थिति पढ़ने से पहले आप कहीं ना कहीं उसे ज्योग्राफी से इंटरलिंक करोगे कि वो लोग 0 डिग्री के पास है, भूमध्य रेखा के नजदीक होने की वजह से उनके बॉडी का कलर डार्क है, यानी कि ब्लैक कलर में है थोड़ा, और उनकी जीवन शैली वहां पे जो सदाबहारी वन होने की वजह से लकड़ियां वगैरह या कह सकते हो कि जंगल के जो उत्पाद है वो ज्यादा मात्रा में, इसलिए वो उस पर निर्भर है, ये भी ज्योग्राफी का फैक्टर है। तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास शुरू की जाए मंडे से। और लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए सजेशन बॉक्स खुले हुए हैं कमेंट सेक्शन, आप अपना भी सजेशन दीजिएगा, लॉजिक हो तो लॉजिक भी देना कि ताकि उस पर विचार किया जाए कि हाँ इस सब्जेक्ट की जगह आप लोगों की डिमांड इस पे ज्यादा है और इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है तो हम उसे शुरू करेंगे। वेटेज की मैं बात करूं तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी पे अच्छे से तैयार कर लेते हो चीजों को, तो जीएस का लगभग 50-60% चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। केवल ज्योग्राफी नहीं, उससे हिस्ट्री कनेक्ट होगी, उससे सोसाइटी कनेक्ट होगा, उससे इंटरनल सिक्योरिटी कनेक्ट होगा, उससे इकोनॉमिक्स कनेक्ट होगा, उससे भारत की राजव्यवस्था कनेक्ट होगी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कनेक्ट होंगे कि हम दूसरे देशों में अगर हम कोई व्यापार कर रहे हैं या दूसरे देशों से अंतर्राष्ट्रीय समझौते कर रहे हैं, संधियां कर रहे हैं, तो उसके पीछे हम क्या क्या चीजों को लोकेट कर पा रहे हैं, जिसके लिए मैप की क्लासेस ऑलरेडी मैं चला रहा हूं। नॉर्थ अमेरिका मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, साउथ अमेरिका के 1-2 लेक्चर हो चुके हैं जिसकी अगला लेक्चर आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। तो अभी मेंस की नोट्स के कंपाइलेशन में मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, संडे तक पूरी तरीके से वो काम हो जाएगा, तो आपको लगातार क्लासेस मैप की भी मिलेंगी, लेकिन कल सुबह आपको मैप की क्लास जरूर मिलेगी। तो यही सब चीजों के लिए आपके साथ मुझे शेयर करना था। और जो लोग अगर इस पीडीएफ को परचेस करना चाहते हो, उसकी डेमो पीडीएफ और साथ में सारे स्टेप्स वगैरह दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा, वहां से आप मैसेज करके सारी डिटेल्स ले सकते हो।